परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी नामे तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सचियां ते कुछ कौड़ियां गलां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत कर दे। सज्जणो ते भराओ गल है जी कि अज 12 बजे तो बाद तरीक बदली है जी, ते 12 बजे तो बाद काम भी बदल गया जी। कुछ लोगों वास्ते खुशी का दिन हो गया जी, कुछ कोई जड़े अफसोस च बैठे होणगे जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुशी मनाएंगे, काफ लीग वाले खुशी मनाएंगे जी, ते पाकिस्तान दी मौजूदा हुकूमत ते PDM ग्रुप जिहड़ा वा ओह अफसोस च आ जी। होया की है जी, तैयब उर्दगान साहब जिहड़े आ ना जी, वो पाकिस्तान दे विच उन्हें एक जन्म लिया है जी। तैयब उर्दगान पाकिस्तान का तैयब उर्दगान, हुण तुसीं सोचना जी वो पाकिस्तान का किहड़ा तैयब उर्दगान है? तो पाकिस्तान का तैयब उर्दगान हैगा जी इमरान खान। उस बंदे ने साबित किया कि जो कुछ अल्लाह ताला दी मेहरबानी दे नाल बंदा हिम्मत करता मेहनत करता अल्लाह ताला उन्हूं सब जिहड़ा वा उहदा समर दिंदा। 9-10 अप्रैल की रात तो बाद जो कुछ होया, जिदा अदालतां खुलियां, जो प्रिजनर वैन्स गईयां या जो कुछ भी होया वा, उस तरह का नक्शा जनाब अज जरा उल्ट हो गया जी। 12 बजे तो बाद अचानक तारीख बदली, तो अदम अतमाद ते अतमाद वाले वोट वाला हिसाब सला जिहड़ा परवेज़ लाई साहब के मुतलक सी उहदा फैसला कर लिया गया जी कि अतमाद का वोट लिया जाएगा जी। शाम को इमरान खान साहब ने एक तकरीर की सी, उहदा कुछ जिक्र करते हैं। कुछ जनाब जिहड़ा वा परवेज़ लाई साहब ने जिहड़ी मुलाकात की, तो कुछ जनाब जियो फेंसिंग नू धोखा किदां होया जी, ये तो किसी ने गौर नहीं किया होया की है जी। तुहानू याद आ जी वे अज तारीख सी 11 तारीख जिहड़ी गुजर गई है जी, उहदे विच मौजूद अदलिया दे विच एक केस सी जी परवेज़ लाई साहब का अतमाद दे वोट वाला। गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने जी जिहदे ते हदायत की सी कि ये अतमाद जिहड़ा खो बैठे आ असैंबली दे अंदर, मैनू आके जी शिकायतां करदे आ लोग, मैनू जनाब TV मीडिया तो पता चलिया जी, मैनू फलाने बंदे ने कहा जी कि मैं नाराज़ होकर चला जी, मैं फलाने बंदे ने मेरे मैनू मैं देखिया जी कोई बंदा गली दे विच बड़ा गुस्से नाल जा रहा सी, ते उहने कहा भी परवेज़ लाई दी हुकूमत नहीं चंगी, तो इस वास्ते ये इतमाद जिहड़ा वा ये नहीं हैगा। तो हालांकि अगर मौजूदा हुकूमत जिहड़ी आ उहनू देखिया जाए तो उहदे ते कई पाकिस्तान की कौम पूरी नूं गिला वा जी, लेकिन किसी ने उहनां नूं नहीं कहा जी इतमाद का वोट लवो। वह क्यों आरिफ अलवी साहब जड़े आ वह शरीफ आदमी आ चुप करके बैठ रहे, उदा ही बलीगुर रहमान साहब शरीफ आदमी किसी के कहण च आ गए जी, वल फरेब च आ गए, तो आके उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी करता है परवेज़ लाई साहब की इतमाद का वोट लिया। उस तो बाद अदालत ने रबता हो गया जी, अज मौजूद अदलिया के परवेज़ लाई साहब के वकील जड़े अहमद खान, मैं जरा गलू शार्ट करके तो अगे चलते हैं जी कि उन्होंने बहसो मुबहसा होया, 3 दफ़ा जिहड़ा वक्फा लिया गया, 3 दफ़ा वक्फा लैन तो बाद एंड जिहड़ी गल कैलकुलेशन होई है ना जी, वो यही मौजूद अदलिया का जिहड़ा मूड नज़र आया उहदे तहत यही लगता सी कि अतमाद का वोट लए बगैर जान नहीं छुटी। अच्छा, इस दौरान के अंदर परवेज़ लाई साहब की दो या तीन मुलाकात हुई जी इमरान खान साहब के नाल, गाहे बगाहे जिहड़ी सूरत हाल से जायजा लेंदे रहे और अंदर खाने जनाब जिहड़े मामलात उन्हें तय करते रहे, पुलिसी जी तय करते रहे, जिन्हों कहा जाता सी 1 पेज तो हटे, वो 1 पेज से जनाब अज वो आ गए जी, मजबूरन आना पिया। वजह कि शायद परवेज़ लाई साहब अगर वो वाकया ना हुंदा जिहड़ा उन्होंने मूनस लाई साहब के दोस्त जिहड़े आ उन्होंने अगे पिछे ना किया जाता जिदा कहा जाता वा, अज वो अदालत वो भी पेश हुए थे, उन्होंने सिर पर जख्म से, किसी ने मुजद जज साहब ने पूछा कि जख्म किस तरह होया, तो उन्होंने कहा जी कार का दरवाज़ा लग गया जी। हुण कार का दरवाज़ा किन्ने क बंदे दे लगता जी, तो जख्म हो जाता गल सोचने वाली है जी, ये तो सारे किसी पिंड के बंदे ने भी पूछ लो तो जख्म किदा लगा होगा, फिर जख्म इदा ही लगा। फिर इमरान खान साहब ने जी गल जी वजाहत की जो अपनी उन्होंने तकरीर की, पंजाब असैम्बली के रुकन जड़े आ उन्होंने एक तकरीर की, अज उस तकरीर ने उही काम किया जी जिहड़ा 92 के वर्ल्ड कप के इमरान खान साहब ने जी अपनी जी टीम से उन बूस्ट अप किया। उस वक्त जिहड़े पाकिस्तान के प्लेयर से वह कहते असी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, कला बाहा देख के इमरान खान से जिहड़ा ये गल कह रहा कि असी वर्ल्ड कप जितांगे तुसी हिम्मत करो, लेकिन वो प्लेयर जिहड़े आ ढेरी ढा देंदे सी विचों, फिर ये तकड़ा तुकड़ा करके खड़े करते मैच खेल लेंदे सी। पाकिस्तान की कौम भी मायूस सी उस वक्त कि ये पता नहीं मैच जितना या नहीं जितना या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप चो बाहर हो जाना, लेकिन जो आस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हराया तो इंडिया के बैट्समैन गवास्कर जिहड़े कि नामी ग्रामी बैट्समैन आ जी उन्होंने मतलब कोई
गल कह ही नहीं सकता, उन्होंने रिकॉर्ड आ दुनिया के उत्ते। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जिहड़े सी उन्होंने उस दिन ये लफ्ज़ कहे सी जी कि अज पाकिस्तान वर्ल्ड कप जित गया जी। इमरान खान साहब ने जी अज जिहड़ी तकरीर की पहली गल तो उन्होंने ये गल की आ कि मेरे ते जिहड़ी आ मुख्तलिफ किस्म के अटैक किए जा रहे, यानी उन्होंने करदार से भी तुहाडे सामने अटैक किया, तोशाखाना वाला भी अटैक किया, उन्हां दी हर तरह उन्होंने डैमेज करन दी कोशिश की गई, गिरफ़्तार करन दी भी कोशिश की गई। उहदे तो बाद उन्हां ते फायरिंग हुई आ, वह पता नहीं किन्ने की आ, वह भी दस दिंदे जी कि अगे वह की बनिया। इस दौरान के अंदर अंदर जनाब इमरान खान साहब ने वो रैड लाइन आला जाहिर किया जिहदा एक शोर पाया जा रहा सी कि इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्हां ते एक लाल लाइन ला दी गई है जी। उन्होंने कहा जी लाल लाइन जिहड़ी आ अल्लाह की जात ला सकती है या पाकिस्तान की आवाम ला सकती है। हुण अल्लाह की जात दे ते फैसले इन्हां नूं हजे जिहड़े वो लोग उपर बैठे आ ना जी, जिहड़े हुकूमत दे विच लोग आ उन्हां नूं अल्लाह का फैसला नहीं नज़र आ रहा, आवाम का फैसला भी नहीं नज़र आ रहा। आवाम ने उन्होंने दस्या कि इमरान खान साहब ने कहा कि तीन दफ़ा फैसला दिता, एक जिदन 10 अप्रैल सी उदन आवाम बगैर लीडर तो ही सड़क पर निकल आई, जदों के जिन्हें भी वजीर आजम अज तक पाकिस्तान के अंदर कढ़े गए तो लोगों ने मिठाइया तकसीम कीतियां खादियां खुशियां मनाईया कि वजीर आजम गया जी। ये वाहद वजीर आजम सी जिदे मतलब हक के आवाम जी प्रोटेस्ट करती हुई रोड पर आ गई। फिर जिमनी इलैक्शन होया पंजाब का जी, तो जनाब 75% सीटा जीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारिया ताकत रलार लू के सारे एक पासे सी, ते ए अल्लाह की जात आवाम वो एक पासे सी, इमरान खान साहब जेडे सी उन्होंने जेडे सी यानी मकबूले नज़र कह लो, अल्लाह ने उन्होंने शिफा दिती इमरान खान साहब नू जी 75% सीटा मिल गई। उस तो बाद इमरान खान साहब ते वक्त आ गया जी, वो जिहड़ियां चुन चुन के सीटा जिहड़ियां सी वो कढ़ियां गईयां, कढ़ के उहदे ते इमरान खान साहब 7 सीटा जित के ते एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर गए जी, कल्ला बंदा ही 7 सीटा के उत्ते जित गया जी। आवाम ने जनाब कराची के अंदर जनाब इन्हों फिर मैसेज दिता जिथे आमर लियाकत वाली सीट के उत्ते जनाब वो होया। जदों ये सारे इमरान खान साहब 7 सीटा के उत्ते जिते, उस तो बाद इन्होंने कन्नां नूं हथ ला लिया कि इलैक्शन ही नहीं कराने। चलो ये कला का गेरा फिर उते जी आ हुण इमरान खान साहब ते ताज़ा जिहड़ा वाकया होया जी, वह गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। मेरे मौजूद इलैक्शन कमीशन साहब जिहड़े आ जज भी बन गए, थानेदार भी बन गए, DPO भी बन गए, सारा कुछ बन गया जी। उन्होंने जनाब आर्डर जारी कर दिए। अज इमरान खान साहब ने तकरीर दे विच वो जिहड़ा 92 का वर्ल्ड कप जितया सी, जिस तरह अज इमरान खान साहब ने अपनी कौम नू अपने वो जिहड़े मिनिस्टर दा या MPA उन्हां नू उन्हां दे ज़मीर नू जोड़िया और आवाज़ दित्ती आ। उस तो बाद जनाब जिहड़े आ प्रोग्राम तय सी उहदे तहत एक बारी वो जिहड़ा ना लैक्चर दिता गया, लैक्चर ने असर किया। उस तो बाद अचानक जनाब 12 बजे तो बाद प्रोग्राम बन गया कि इतमाद दा वोट जिहड़ा परवेज राई साहब नू दे दित्ता गया। कल राणा सनाउल्ला साहब जिहड़े आ वो कल भी असैंबली दे विच मौजूद रहे, कल भी हंगामा खेज इजलास होया, लेकिन उस सत्यन खान साहब ने हंगामा देख के फिर वो जरा कैंसल कर दिता। उहदे ते जनाब इन्हां नू राणा साहब ने बयान दिता सी कि असी या जितांगे ते या जनाब इत्थे गवर्नर राज नाफस होएगा। मौजूद अदलिया का मूड भी यही आ कि सी के इतमाद का वोट लिया जाए। ये सारिया गल्लां होईयां जी अज जनाब उन्होंने जनाब उस वेले प्रोग्राम सत्यन खान साहब ने अरेंज किया, कॉल किया, कॉल करन तो बाद प्रोग्राम इन्हां दा तय सी उस यानी खुफिया सी, खुफिया ही रखिया गया। अच्छा जिहड़े जिहड़ियां मुख्तलिफ किस्म दी प्रेस कॉन्फ्रेंसां होईयां उहदे विच मेरे जिहड़े मौजूदा हुकूमत दे कुछ वज़रा, कुछ जनाब उन्हां दे मशीरान, कुछ जिहड़े मावनीन खसूसी सी, उन्होंने कहा जी असीं जियो फेंसिंग कराई आ, फेंसिंग कराई आ, उहदे तहत 15 तों 17 बंदे इन्हां दे गायब आ जी। हुण इत्थे सोचण वाली गल आ भी होया इन्हां नाल की आ, जियो फेंसिंग अगर गौरमेंट ने कराई होएगी वह गलत तो नहीं हुई होएगी। कोई लंदन बैठा सी, कोई उन्होंने बकायदा लोकेशन दसी कि फलाना दुबई चा फलाना लंदन चा, इन्हां नाल धोखा विचारिया ना की होया जी। हर बंदे को 4-4 मोबाइल आ जी, उन्होंने जिहड़ा को मोबाइल जिहड़ा जिहड़े आम चलता होएगा वह नंबर जिहड़े आ वह जिथे जिथे सी उन्होंने उत्थे छड्डे, लोकेशन उत्थे दी आ रही सी, वो जनाब उतों जहाज़ चढ़े, उन्होंने मोबाइल शुबाइल अपने हर शायद बाकी जिहड़ा को खुफिया नंबर होणगे उन्होंने राबते दे विच रहे, वो जनाब आ गए। आ के जनाब उन्होंने हाजरी लवाई, खुशाब दे एक मैंबर सी वो जनाब धुंद च फस गए, उन्हों का इंतजार बहुत देर किया गया, फिर वो अचानक जनाब नमूदार होए पंजाब असैंबली के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जनाब 186 वोट लैके
ते वजीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब जेड़े आ उन्होंने जनाब नॉमीनेट कर दिता, अतमाद का वोट देता। 6 महीने लई हुण जनाब ना अदम अतमाद उन्होंने खिलाफ आ सकती आ, ना कोई होर गल हो सकती आ। फिर जनाब राणा साहब जेड़े मेरे मोजज़ राणा साहब आ उन्होंने कहा जी असी गवर्नर राज दा इन्होंने जड़ा वा वह पैदा करता, जवाब पैदा करता। वो जनाब उत्थे हंगामा भी होया, उत्थे कुर्सियां भी चलियां, उत्थे हर चीज़ हुई, लेकिन मोजज़ अदलिया दे जिहड़े बयान आता उन्हें भी कैलकुलेट कर लो, राणा साहब के बयान भी देख लो। अदालत के अंदर वो केस भी लगा होया, अदालत के हुक्म के तहत ही परवेज़ लाई साहब ने जनाब अतमाद का वोट लिया, लैण तो बाद जनाब कामयाब करार पाए आ। इमरान खान साहब जिहड़े आ जिन्हां कहिंदे सियासत नहीं आती, उन्होंने अज फिर एक दफ़ा वो 92 वाला वर्ल्ड कप जिहड़ा वो जितया जी, तमाम तरफों मुखालफत के बावजूद। कितने जनाब उन्होंने अज अपनी तकरीर के गल कही आ कि मेरे जिहड़े आ जनूबी पंजाब के वजी जिहड़े MNA आ उन्हां नूं कहा जा रहा वा कि 1 अरब रुपया लै लवो, यानी 25-25 करोड़ रुपया लै लो। इस तरह ही वो एक मोमना साहब आ जी, वो मोमन हो गई जी, उन्होंने मुतलक जरा वा तो ना फवाद चौधरी साहब ने कोई गल की आ। शिवली फराज साहब ने भी इंटरव्यू देंदे हुए ये गल कही कि सियासत इन्हां दी दफन हो रही है। हुण जिहड़ा पोजिशन होएगी जी वो अगे देखण वाली होएगी जी, भी आया इन्हां दा इतिहाद बरकरार रहिंदा या नहीं रहिंदा, या किधर नूं ये ऊंट किस करवट बैठता। लेकिन परवेज़ लाई साहब की कामयाबी तो बाद इमरान खान साहब का ग्राफ परवेज़ लाई साहब के दिल च भी बढ़िया वा जी, और मूनस अलाई साहब के दिल च भी बढ़िया वा, तो आवाम ने तो इमरान खान साहब ने जनाब एक बारी फिर मैदान जरा वो इन्नी मुश्किलों के बावजूद जरा वा इमरान खान साहब बार बार ये कहते भी असी अपना टास्क जरा विन करांगे, और उन्होंने अल्लाह की रहमत दे नाल करके दिखाता जी ये होया जी, वाकयात होया। दूसरा जनाब जे मूनस अलाई साहब के जेडे अपना सी वो अज अदालत दे विच पेश आए, उन्होंने सिर के उत्ते जनाब चोट लगी सी, वो हुण अल्लाह जाने जी वो कहिंदे आ भी मतलब कि दरवाज़ा लगा, अल्लाह जाने दरवाज़ा लगा या कुछ होर आया। वो मतलब इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर च गल जी वो सारी जाहिर की आ, वो तुसी उत्थे सुन सकते हो। फिर इमरान खान साहब ने जनाब जिहड़ा मौशी पॉलिसी आ उहदे उत्ते जनाब कोई जिक्र जुकर किया अपनी तकरीर के अंदर कि इस वक्त अगर असी जिहड़े आ बैठ गए, अगर असी इन्हां नूं तस्लीम कर लिया, यानी आ जिहड़ा कुछ होया वा, यानी अमेरिकन तसल्लत जिहड़ा वा वह फिर गालब आ जाएगा पाकिस्तान ते, तो पाकिस्तान की बदकिस्मती के वह दिन शुरू हो जाएंगे, यानी महंगाई या जो कुछ या IMF के जो पैकेज आदे तो निकलन वास्ते। वह कहते कि मैं तो खुद एक जहाज लड़ रहा, उन्होंने अपने सारे वाकयात बयान किए। उन्होंने ये भी दसिया कि मैं जिहड़ा मेरा वजीराबाद पर हमला होया ते गुजरां वाले जी पुलिस का प्रोटोकॉल सी उहदे च की फर्क सी, ते वजीराबाद कहिंदे मैं हैरान होया देख के कि उत्थे पुलिस जिहड़ी घट सी। इह सारियां गल्लां उन्होंने उत्थे दसियां। मकसद गल करन दा इह आ जी कि एक फैसला अल्लाह दा, एक फैसला जिहड़ा वा उह कुछ लोगों का वा जिहड़े ये सोचदे आ कि असी इत्थों जनाब इस तरह कर लाँगे, असी जनाब इत्थों ऐ कर लाँगे, इत्थे इहनू दबा लाँगे, और इहनू इहदी फाइल पेश कर लाँगे, इहदे नाल आ कर लाँगे। लेकिन फैसला अल्लाह ताला दा ते अवाम दा ही चलदा। वह जिहड़ी JIT बनाई सी इमरान खान साहब की इनवैसटीगेशन कर रही थी, उहदा हुण सुन लो जी कि उहनां दे उत्ते शफकत प्यार किया गया, मुहब्बत नाल उहनां नूं समझाया गया कि तुसीं जिहड़ी लाइन इमरान खान साहब वाली ते चलदे हो इह गलत आ, जिहड़ी असी दस रहे उत्ते चलो। वह हुण जिहड़े 3 नाम सी जी जवेद लतीफ साहब या होर ओ अपना जिहड़ी साडी हैगी आ वजीरे अतलात नशरात मरियम औरंगजेब साहब आ उहनां दा नाम सी ओ, और उहदे नाल नाल जिहड़ा ओ 3 जिहड़े शूटर्स गिने दसे जा रहे सी उहदे तो 4 बंदे जिहड़े आ ओ जनाब उन्होंने जिहड़ी इनवैसटीगेशन टीम आ उहनूं अपनी उन्होंने कहा जी कि बंदा इक्को ही सी जी, 4 नहीं सी। मतलब यह है कि वह जिदा समझाया गया उदा उन्होंने बयान देता, मजबूरी आ जी, नौकरी की ते नखरा की, ये गल मतलब कि उदों तो ज़ाहर होई जी। बहरहाल के जी गल सिर्फ सोचने वाली ये आ जी कि अगर हजे भी ना किसी को समझ आवे कि पाकिस्तान की आवाम कित्थे खड़ी आ, पाकिस्तान की माशी हालत कित्थे खड़ी आ, पाकिस्तान के अंदर जिहड़ा खेल हो रहा वा इन्ने 8-9 महीने तो यह सिर्फ एक खेल हो रहा कि इमरान खान नूं कॉर्नर किदा करना वा, इमरान खान तो जान किदा छुड़ानी है, इमरान खान नूं हराना किदा वा। ना पाकिस्तान की मोईशत ते कोई गल हो रही आ, ना पाकिस्तान के जिहड़े
अफगानिस्तान के नाल मामलात आदे ते कोई फिक्र आ ना पाकिस्तान के होर किसी मसले पर फिक्र आ। फिक्र सिर्फ इस गल का कि साढ़े बच्चे वजीर आजम बन जाए, साढ़े वास्ते दुध शहर दियां नहरां जिहड़ियां वो आर्मी चीफ साहब पैसे मंगी आण ते असी खर्ची जाइए, ये मामलात जिहड़े आ इहदे तक सोच आ, ते जिहड़े पैसे आ जाण उहनां नूं फटाफट नुकरे लाया जाए, ये सोच आ। आवाम जिहड़ी आ उहदा बिलबलाहट उहदी जिहड़ी आ उह सोच विचार किसी ने भी नहीं हैगी। अज एक खबर अफसोसनाक ये आ कि एक आदमी उहने तीन बच्चों के नाल अपने खुदकुशी की आ, वह भुख दा मारिया सी, घरेलू परेशानी सी, वह की सी, ये पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे जी। लेकिन अज 12 बजे तो बाद जिदा वो रात को 12 बजे तो बाद तारीख बदली सी, इमरान खान साहब नू डायरी के नाल कढ़िया गया सी। अज पंजाब असैम्बली इमरान खान साहब ने जी डायरी लैके आप वड़े आ, ते कुछ लोगों जनाब जिहड़ियां उन्हां दी आसां ते उम्मीदां ते पानी फेर के उन्हां नू बाहर कढ़ दिता जी। ये होया जी अज, ते बाकी अल्लाह नू पता जी अगे की होना। हुण इहदे ते मुख्तलिफ किस्म दे बयानिए बयान किए जाणगे, इहदे ते जनाब कोई ना कोई सवेर तक कोई इशू खड़ा करन दी कोशिश की जाएगी। लेकिन मामला अदालत च वी आ, परवेज़ राई साहब ने एतमाद दा वोट भी लै लिया, इमरान खान साहब ने जी इन्हां नू दस दिता कि सियासत किहदा नाम आ। ये सारिया गल्लां जिहड़ियां वजह ये आ जिन्हों कहिंदे ना तलीम की कमी, वो तलीम की कमी जिहड़ी आ बड़ी चीज़ आ। जिन्हें बंदे ये मुस्लिम लीग दे या पाकिस्तान पीपल पार्टी दे विच बहुत सारे बंदे आ उन्हां नूं उन्नियां किताबां दे नां ही नहीं आते जिन्नियां किताबां इमरान खान साहब ने पढ़ लईआं जी। वह मसला कोई पेश हुंदा ते वह किताब खोलदे हिस्टरी पढ़ते, हिस्टरी पढ़ के किसी बादशाह का किसी वकील का वो जनाब डिस्कस करते, करन तो बाद फिर वो डिसीजन जिहड़ा अपने बंदियां नाल शेयर करते, शेयर करन तो बाद फिर जनाब उहदे ते गौर करते आ। यही वजह कामयाबी दी आ कि उस उन्हें एज ए कैप्टन 10 साल पाकिस्तान की क्यादत की आ, उन्हें मुख्तलिफ मुल्कां दे नाल मुकाबले किए, उन्हां दी जिहड़ी थिंकिंग आ उन्हां दी जिहड़ी तैयारी आ उहनूं समझिया, उस हिसाब नाल अपनी टीम तैयार की, उस हिसाब दे नाल अपने आप नूं मच्योर किया करके मैदान दे विच उतरे और मैच जित के आए। लेकिन अज जिहड़ा सारा मामला होया जी, उस तार जिहड़ी वो इमरान खान साहब ने तकरीर की ना जी, उस तकरीर दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े आ उन्हां दे अंदर एक दफ़ा फिर वो रूह फूंकी गई, पाकिस्तान जिंदा किया गया, पाकिस्तान नाल मुहब्बत जिंदा की गई, पाकिस्तान की कौम के अंदर एक दफ़ा फिर रूह जिहड़ी आ वो फूंकी गई। उत्तों जिहड़ा 12 बजे जिहड़ा परवेज़ राई साहब जिहड़े आ वो इतमाद का वोट लै गए आ, इस दे नाल पंजाब की जिहड़ी पोजिशन आ वह भी चेंज हुई। हुण इहदे ते फैसला जिहड़ा अगे देखा जाएगा जी कि इमरान खान साहब असैम्बलियां वाले पासे जांदे आ या स्टे करदे या की करदे आ, ये आने वाला वक्त दसेगा जी। अल्लाह ताला खैर करे जी, खुशी की खबर सी तुहाडे नाल शेयर कर दित्ती आ। बाकी होर खबरां जिहड़ियां वा वो हुण इस गल तो पिछे रह गईआं जी, खबरां होर भी सी लेकिन अज की खबर सिर्फ यही गिणो जी कि इतमाद का वोट तो इमरान खान एक दफे फिर उन्हें वो जिहड़े बोरियां भर के लियाए सी पैसों दीआं वह भी वापस हो गए, उन्होंने बंधे तोड़न की कोशिश की वह भी नाकाम हो गए, प्रैशर आया जी वह भी नाकाम हो गया, होर वड्डा प्रैशर आया वह भी नाकाम हो गया। अननोन नंबर जो कॉल आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बंदे जिहड़े आ उन्होंने विकण तो इनकार कर दिता। इनू कहिंदे आ जी मोरली किसी नूं डिवेलप करना, और जदों कौम और लीडर जिहड़े आ और सियासतदान जिहड़े मोरली डिवेलप हो जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की वाले पासे चल पाएगा।